हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज का अपना टॉपिक रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर अपना रहेगा 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पर एक कंडीशन आती है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा ना ए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, तो ये एक्स स्क्वायर बचना चाहिए, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वेश्चन पर आते हैं। 4.1 एक्सरसाइज कौन सी है इस बार? एक्सरसाइज 4.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, यहाँ पर हमें बताना है। इसमें लिखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। हमें चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जिसका ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री। देखो दोस्तों, इनके अंदर ना सोल्व करने की ज़रूरत है, हमें सभी को सोल्व करना पड़ेगा इसको। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन प्लस टू ए बी टू एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? यहाँ पे टू एक्स माइनस सिक्स, इन सब लोगों को इधर ले आओ। यहाँ पे टू एक्स से टू एक्स तो कैंसिल हो गया, माइनस सिक्स इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। देखो ये इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? ए का रोल प्ले कर रहा है वन। देखो एक्स वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो एक्स का वाला कोएफिशिएंट जो है ना बी, वो हो गया जीरो, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा हमें एक्स। और सी, सी मतलब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कितना है यहाँ पे? सी इक्वल टू सेवन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें, ये धीरे धीरे आगे काम आएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ पर लिखा है थ्री माइनस एक्स। ठीक है, तो देखोगे कि इसके अंदर और कोई एक्स स्क्वायर है भी नहीं है, बस यही एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगी। आप सोल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जर्व करना सीख लो, जल्दी से जल्दी ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये दो इधर भी फैक्टर है, इधर भी फैक्टर। देखो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा है एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, उधर लिखा है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इसको सोल्व करके बताना पड़ेगा हमें, तो इधर इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, वो जो एट्थ क्लास वाली आइडेंटिटी वो लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसको सोल्व करने पर, इसको ओपन करने पर क्या बनेगा अपने पास में? ये मिलेगा इक्वल टू, उधर क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मिलेगा। ठीक है, इसको देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो इधर मतलब एक्स स्क्वायर जो आना चाहिए था वही नहीं आया यहाँ पर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आप इसको थोड़ा और आगे तक सोल्व कर सकते हो, इन दोनों लोगों को इधर ले आओ, 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस 3x हो गया, ये 3 आके इधर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें दिख ही नहीं रहा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि एक्स स्क्वायर बच जाए, हो सकता है एक्स स्क्वायर ना बचे। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर बच जाएगा इसके अंदर, एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स प्लस फाइव। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा टू एक्स स्क्वायर और माइनस का सिक्स और प्लस का वन, तो माइनस का फाइव एक्स और माइनस का थ्री इक्वल टू कितना बचेगा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये बचेगा। इसको सोल्व करके देख लो, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो दोनों थोड़ी काट देगा, एक बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये फाइव एक्स और ये फाइव एक्स कितना हो जाएगा? माइनस का टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो देखो एक्स स्क्वायर बच गया इसके अंदर, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर फिफ्थ पर आते हैं, फिफ्थ पर लिखा है यहाँ पर देखो, फिर से ऐसा ही फॉर्मेट है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, टू एक्स माइनस वन और x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और x माइनस वन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना बनेगा? टू एक्स स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिक्स और माइनस, तो ये माइनस सेवन एक्स हो जाएगा प्लस का थ्री। ठीक है,
ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में इनको सोल्व कर रहा हूँ। आप धीरे धीरे करोगे तो भी यही आएगा, एक्स स्क्वायर इधर कितना बनेगा, ये ही बनेगा प्लस का 4x और माइनस का 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इधर है, इधर 2x² है, तो काटेगा भी कितना काटेगा, ये काट लेगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस 11x, इधर आएगा तो ये कितना हो गया 8 = 0। ठीक है, ये फिर से ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब आगे देखते हैं कितने पार्ट हो गए अपने, टोटल 5 पार्ट्स हो चुके हैं। अब 6th पार्ट देखते हैं, इसमें लिखा है x² + 3x + 1 = x - 2² तो देखो ये एक्स स्क्वायर इसमें कटेगा, x² + 3x + 1 = x² - 4x + 4, एक्स स्क्वायर कट गया। अब ये चाकर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर 7th, x + 2³ = 2x² - 1, इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे a + b³ लिखेगा, वो क्या होता है, a + b³ क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² ये किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है a + b³। ठीक है, ये आइडेंटिटीज तो याद रहनी चाहिए। इधर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये x³ + 8 + 3a² b, मतलब इधर 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, और फिर 3ab² आ रहा है, तो 3ab² मतलब 3x और 2 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा 12x बच जाएगा, 12x = RHS में 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ - 2x बचेगा। ये x 2x³ इधर आ जाएगा तो एक x³ इसका स्वागत करेगा, तो एक कट जाएगा इसका, -x³ और -2x इधर आएगा, तो 12x और -2x कितना हो जाएगा 14x प्लस 6x² और ये 8 + 8 = 0। देखो ये तो ऐसा फॉर्मेट बन गया, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसके अंदर क्यूबिक है। हम देखते हैं हाईएस्ट, ये क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3, तो ये हो गया क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्यूबिक कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे ये कैसे जैसे क्यूब कट जाता तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही बचता है, फिर हाईएस्ट पावर 2 ही रहता। तो अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन में है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2³ है, तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो सोल्व लिया, x³ - 4x² - x + 1 = इधर इसको सोल्व करेंगे a - b³ लगेगा, तो x³ - 8, फिर अगला आएगा 3a² b, तो -3 2 जा कितना आएगा 6x² प्लस 12x आ जाएगा यहाँ पर, तो x³ से x³ कट गया, यहाँ पे -6x² है, देखो क्यूबिक जो उसमें हुआ था ये यहाँ पर तो कट गया, ये 6² माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 6 - 4 2x², ये 12x है, इधर -x है तो माइनस का 13x, ये -8 है, इधर 1 है तो प्लस का 9 = 0, ये फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक, ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा लास्ट वाला। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज के ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इनमें इसमें बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है, उनको सोल्व नहीं करना है। इसमें एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं इसका। इसमें बोला है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया कितना है 528, यहाँ पे लेंथ आएगी, इधर ब्रेड्थ आएगी। ठीक है, अभी इनको अज्यूम करेंगे, कैसे करेंगे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than 2x इट्स ब्रेड्थ, ठीक है, चलो इस ब्रेड्थ को ना x मान लेते हैं, ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं x, तो बोला है कि जो लेंथ है ना वो एक ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के डबल से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 1 + 2x हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो इसका एरिया है, उस पर काम करते हैं। यहाँ पर गिवन है एरिया
इक्वल टू 528। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528। तो कितना आ जाएगा, लेंथ कितना है यहाँ पर 1 प्लस 2x इंटू ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 528। तो इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, क्या बनेगा ये, ये बनेगा 2x स्क्वायर x इंटू 2x, 2x स्क्वायर x इंटू 1 प्लस का x इक्वल टू 528। इसको इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये ऐसा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर दोस्तों ये याद रखना कि x कौन है, x यहाँ पर ब्रेड्थ था ना कि लेंथ, ठीक है, लेंथ तो 1 प्लस 2x था। सेकेंड पार्ट पर आते हैं इसके। सेकेंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पार्ट में प्रैक्टिकल इक्वेशंस में यही होता है कि घुमा फिरा के या तो इंटीजर पे आ जाएंगे या फिर एजेस वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, डिस्टेंस वाले, ये सब। सेकेंड पार्ट में द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अच्छा, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, बस इक्वेशन बनाना है, फाइंड क्या करना है इसके अंदर, वी वुड लाइक टू फाइंड, अच्छा बस हमें इक्वेशंस बनानी है यहाँ पर, है ना। तो इसमें बोला है सेकंड पार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कितने हैं, 306। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर एक्स है, और तो बताओ सेकंड इंटीजर कितना होगा, वो क्या हो जाएगा, x प्लस वन, इससे एक ज़्यादा हो जाएगा ना, y मानने की जरूरत तो नहीं है, x प्लस वन मान लेना उसको। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हीं, ये दोनों लगातार है तो इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना आना चाहिए, 306। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, इसको इधर भेज देंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर ऐसे बन जाती है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो एजेस वाला क्वेश्चन है ये, एज से रिलेटेड कुछ गिवन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो एक काम करते हैं, रोहन छोटा है ना, छोटे को उसकी एज मान लेते हैं, लेट एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो मदर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ मदर, इसने बोला 26 ईयर ओल्ड, तो x प्लस 26 हो जाएगी मदर की एज। फिर बोला है यहाँ पर, अब आसान हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अभी से 3 साल बाद, तो चलो फ्यूचर में चलते हैं, ये तो प्रेजेंट है, ये इनकी क्या है, प्रेजेंट एज है। फ्यूचर में चलते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कितने साल बाद, तो 3 ईयर्स, तो प्लस 3 ईयर्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 3 साल बाद है, तो 3 साल में दोनों लोग 3-3 साल बड़े हो जाएंगे, तो एज ऑफ रोहन क्या रहेगा, एज ऑफ रोहन वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3, 3 साल बड़ा हो जाएगा, और एज ऑफ मदर वो कितनी हो जाएगी, इसमें प्लस 3 कर देंगे तो x प्लस 26 का क्या हो जाएगा, x प्लस 29। अब बोला कि अब जो फ्यूचर में गए ना, तब इनका प्रोडक्ट कितना आता, तब इनका प्रोडक्ट आता 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी इनका प्रोडक्ट x प्लस 3 और x प्लस 29, ये कितना आएगा, 360 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, सोल्व करना पड़ेगा इसको, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 29, तो 29x, और 3 इंटू एक्स, तो 3 प्लस 29 कितना होता है, 32x आ गया, 3 इंटू 29 करना पड़ेगा 3 इंटू 29 कितना होगा, ये हो गया अपना 87 इक्वल टू 360। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये नंबर इधर आएगा तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 360 माइनस 87 कर लो फटाफट, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा, 15 माइनस 87, और यहाँ पे 2 कितना बचा, यहाँ पे माइनस 273 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इधर, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर, फोर्थ पार्ट देखो किसका है, फोर्थ पार्ट है यहाँ पर, और डिस्टेंस और स्पीड टाइम वाला है ये। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ दी स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा, उसकी कुछ फिक्स डिस्टेंस है,
तो हमने इतना कम कर दिया तो फिर बताना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसकी इक्वेशन हमें बनानी आनी भी चाहिए। ठीक है, देखो भाई डिस्टेंस बोला है यहाँ पर, डिस्टेंस कितना बोला है, 480 किलोमीटर्स बोला है डिस्टेंस। ठीक है, इसकी अब अज्यूम क्या करें यहाँ पर, फाइंड दिस, हमें क्या पता करना है, हमें स्पीड पता करनी है। इसमें बोला भी है तो देखो ये हिंट दिया है कि हमें किसको पहले, सबसे पहले मानना पड़ेगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड को हम एक्स मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आर इसको जिम कर लो ना, अगर टाइम पूछा होता तो फिर हम टाइम को मानना पड़ता हमें, इसको एक्स मान लिया। तो बताओ जैसे ये ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल टाइम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 480 बाय एक्स आर्स। ठीक है, ये इतना टाइम आ गया। अब हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या किया कि इसकी ना स्पीड हमने कम कर दी, स्पीड कम कर दी, स्पीड नई स्पीड, नई स्पीड कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8 किलोमीटर पर आर कम कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस एट हो गया, स्पीड पहले एक्स थी ना, अब एक्स माइनस एट हो गई। तो बोला है कि ये जो टाइम है वो 3 घंटे बढ़ जाएगा, तो इस केस में जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 480 बाय एक्स, जो पिछला टाइम था ना उससे 3 घंटे बढ़ जाएगा। लेकिन हम इस साइड ना, इस साइड LHS वाली साइड, हम खुद का टाइम निकालेंगे। इधर वाला टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, देखो भाई डिस्टेंस उतनी है, 480 अपॉन स्पीड, इस बार स्पीड कम हो गई, स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस एट। तो ये इधर कितना है, 480 बाई एक्स प्लस 3, ऐसे टाइम निकालना है। फिर ऐसे टाइम निकाल लो, आएगा वो 3 घंटे ज़्यादा ही। ठीक है, स्पीड कम रहेगी अपनी, अगर पुराने वाले स्पीड ले रहे तो फिर 3 घंटे फिर ज़्यादा, ये पुराने वाले से 3 घंटे ज़्यादा है। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हमें मिलेगी। क्या लिखा है, 480 अपॉन एक्स माइनस एट इक्वल टू 480 बाई एक्स प्लस 3। ये है, इसको इधर एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा, 480 अपॉन एक्स माइनस एट इक्वल टू, इधर एलसीएम लिया तो एक्स 480 प्लस, ये किधर हो गया, 3x हो गया इधर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर्स पड़े लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। कितना आ गया इधर, 480x इक्वल टू एक्स माइनस एट, और इधर आ गया 480 प्लस 3x, आ गया 480x, एक्स इंटू 480, 480x, एक्स इंटू 3x, 3x² माइनस 8 की बारी है, ये करके बताओ यार कितना होगा, 448 इंटू 8, 8 8 जा 64 का 4 बच गया 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 30 है, 384। तो ये आएगा अपना माइनस 3840, माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24x आ गया। ठीक है, देखो ये तो कट गया, अच्छा फिर तो बस ये बचे, ये क्वाड्रेटिक है दिख ही रहा है, तो क्या बचा इधर, 3x² और फिर उसको लिख लो माइनस 24x, फिर इसको लिख लो माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से हमें पता चलती है। ठीक है, अभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं, अभी अगली एक्सरसाइज में इनको सोल्व करने के तरीके भी देखेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, धीरे धीरे सारे वीडियोज़ आपको, सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।